ओम शांति। आज सभी शिवमणि के सीनियर सिटीजन को 68वीं भारत की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बड़ा ही हर्ष का दिवस है कि भारत सारे विश्व में 68 वर्षों से सम्मानित हो रहा है और परमपिता परमात्मा ने आकर के ये जो सम्मान है वो हमारे अंदर फिर से जागृत कर दिया है। सावधान, वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्राम। सावधान, झंडे को सलामी दो। जय जय मन अधिनायक, जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, उत्तर बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उत्सल जल किस रंगा, धर्म है, मरना है क्या
वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। ओम शांति। आप सभी भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज के इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत दिल से शिवमणि के अनमोल शिव रत्नों को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस सुंदर पवित्र माहौल के अंदर शिवमणि के इस बहुत ही सुंदर दिव्य आंगन के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि सचमुच इस शिवमणि का एक एक रत्न बाबा का ऐसा अनमोल रत्न है जिसका प्रकाश और जिसकी खुशबू, जिसकी दिव्यता, उमंग, उत्साह इस प्रवेश द्वार के अंदर आते ही हमें महसूस हुई। और वो बनाने वाले कौन हैं इतना सुंदर माहौल? आप सभी रत्न। तो आप खुद के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से अपने आप को बहुत बहुत अभिनंदन देंगे। आज के इस दिवस पर हम अपने आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी की ओर से भी, जो कि अभी अस्पताल में है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सूक्ष्म रूप में जब हम किसी भी महान आत्मा को याद करते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। अभी अभी ओम भाई से बात चल रही थी कि उसकी ओर से आज हमें आपके सामने आने का ये अनमोल चांस मिला है, मौका मिला है। तो भाई साहब भी सूक्ष्म रूप से हम सब के बीच में है, तो उनकी ओर से भी आज के दिवस पर आपको बहुत बहुत हम दिल से ढेर सारी मुबारक देते हैं। हम ज़रूर इस बात का गर्व करेंगे कि दुनिया में तो भल आज के दिन भारत देश की इतनी महिमा करते हैं और क्यों नहीं करेंगे। हमारे वो वीरों ने अपना बलिदान देकर भारत को स्वतंत्र किया उस परतंत्रता से, लेकिन उनके साथ साथ हम सभी बाबा के बच्चे, भारत देश के वो महान वीर हैं जो न सिर्फ भारत देश को बल्कि समग्र विश्व को विकारों की परतंत्रता से दूर करने वाले हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए, हाँ? तो आज के ये निमित्त यादगार दिवस पर हम सभी बाबा के बच्चों को अंदर में ये नशा होना चाहिए कि हम वो वीर हैं, हम वो महावीर हैं जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व को आज़ाद करके एक बार स्वर्गीय सृष्टि की फिर से पुनर्स्थापना करने जा रहे हैं, और वो दिन अभी दूर नहीं है। तो आज हम सब मिलकर इस दिन को ऐसा अंदर से मनाएं कि आज का दिन हमारे जीवन के महान परिवर्तन के लिए एक यादगार दिवस बन जाए, यही शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। मेरे देश की धरती का
मनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। ओम शांति। बहुत ही गौरव का दिन है आज। कितने खुश नसीब हैं हम कि इस खुले वातावरण में सचमुच आजादी का अनुभव कर रहे हैं हम। आज के दिन किस तरह से ये सुंदर अवसर भारत के और विदेशों में कोने कोने में भारतवासी मिलकर वो खुशी मनाते हैं जिसको तरह तरह से दिखाया जाता है। हर एक का इस आज़ादी में कंट्रीब्यूशन तो रहता है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो पीछे पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं और मैं देख रहा था इस बारी भारत सरकार ने भी एक नए तरीके से सम्मान देने के लिए एक नई रीति से जो है जितने भी गुमनाम भी कुछ लोग हैं जिनका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है लोग नहीं जानते हैं पारदर्शिता से जो है उनको सामने लाने के लिए एक नया तरीका निकाला है और उसको भी सम्मानित करने के लिए उन्होंने आज के दिन सबको सामने लाया है। जब मैंने ये सब सुना तो मेरे अंदर भी एक बहुत अच्छे संकल्प चलने शुरू हुए कि हमारे यहाँ तो गुप्त पूरी सेना की सेना ही है, इतने अनुभवी हैं यहाँ पर बैठे हुए, तो अगर इनका नाम भेज दिया वहाँ पर अब वो मना भी नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे लोग तो रह ही जाएंगे। कहने भावार्थ के कुछ लोग इस जंग में लड़ाई के अंदर विजयी होते हैं और हमको दिखाई भी देते हैं। कुछ का तो सम्मान भी बाद में होता है जब वो शरीर छोड़ देते हैं इस लड़ाई के अंदर। लेकिन वो भी दिन हम भुला नहीं सकते क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम इतने खुले वातावरण में इतने खुशी से इस खुले आम जो है अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन जो हमें शिक्षाएं मिली हैं, जो श्रेष्ठ परमात्मा की पालना हमको मिल रही है, जो एक सुंदर परिवार बाबा ने हमें सामने रख दिया है, उसमें इतना बल है, इतनी सहनशीलता है, हर तरह की शक्ति जैसे हर एक में समाई हुई है। सिर्फ जो हमने आज तक नहीं सीखा था आज के दिन हमें उसको अंतिम रूप देना होगा कि ये विजय का जो नगाड़ा है वो जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में सुनाई दे और आप सब लोग ये झंडा तिरंगा तो है ही लेकिन ये तिरंगा के साथ साथ शिव बाबा का झंडा पूरे विश्व में फैलता नजर दिखाई दे। तो एक बार इस मौके पर आपको बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रिय
में प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैप्पी जहाँ की री सदा। आप सबको भी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह विशेष जन्म दिवस, जन्मदिन के खास लम्हे हैं मुबारक, आँखों में बसे हैं ख्वाब मुबारक। जिंदगी खुशियाँ लेकर आई आज, तमाम खुशियों की हंसी की सौगात मुबारक हो, सदा हंसी की सौगात मुबारक हो आपको। फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार गाओ सभी। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन,